फिल्म टैक्स ऑफ हिंदुस्तान यशराज प्रोडक्शन के लिए काफी बड़ी डिजास्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन आमिर खान का जादू फिल्म में चल नहीं सका, नतीजा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिरी। अब दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म के असफलता का कारण पूरे तरीके से अब फिल्म के डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य पर फोड़ दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, विजय कृष्ण आचार्य को इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यशराज प्रोडक्शन के लिए कई फिल्में बना चुके विजय कृष्ण आचार्य अब धूम 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हालिया में आई खबर के अनुसार टक्स ऑफ हिंदुस्तान की असफलता के बाद में विजय कृष्ण आचार्य को धूम 4 का डायरेक्शन नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें धूम 4 काफ़ी बड़ी फ्रेंचाइजी होने वाली है। ऐसे में इस बार यशराज बहुत ही बड़ा कलेक्शन करना चाहता है अपने आने वाले ब्लॉकबस्टर धूम 4 से, क्योंकि दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य जो कि धूम 3 को डायरेक्ट कर चुके हैं, उसके भी स्क्रिप्ट और स्टोरी दर्शकों को खास पसंद नहीं आई थी और टक्स ऑफ हिंदुस्तान भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ऐसे में यशराज के अपकर्ता धरता आदित्य चोपड़ा धूम 4 में नए डायरेक्टर को आपसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बात करें एक्टर की तो अक्षय कुमार और शाहरुख खान के नाम पर काफी गहमा गहमी से मंथन चल रहा है कि आखिर कौन धूम 4 में धूम मचाएगा। इस बार धूम 4 सब कुछ नया होने वाला है, नया डायरेक्टर, नया एक्टर। तो दोस्तों आपको धूम 4 का कितना इंतजार है कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप इसकी परफेक्ट जोड़ी क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।